Welcome to Mind EduTech, and as you can see, we are going through the textbook portion of the chapter Silk Road. हम लोग first paragraph में कुछ दूर तक पढ़ चुके थे. हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे warmer clothes. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे वार्मर क्लोथ्स. तो यहाँ से मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी बताए थे, जैसे फ्लॉलेस वर्ड आपको पता होना चाहिए, सुबह का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से करना चाहिए, क्लाउड्स का शेप और उन शेप को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, और उसके बाद माउंटेन टॉप्स और क्लाउड्स, सनराइज जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे पिंक कलर से, पिंक शेड या पिंक ब्लश या पिंक शाइन, कोई वर्ड यूज़ कर लो, शेड या ब्लश या साइन. तो पिंकिश पिंक ब्लश नज़र आता है माउंटेन के टॉप्स के ऊपर, और जो आसमान में ब्लू स्काई में जो फ्रेंच लोव्स टाइप के साइज़ के जो क्लाउड्स थे वो भी लगभग उसी कलर के, पिंकिश कलर के नज़र आते हैं. सुबह का डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन वहीं से बन सकता है. उसके बाद आपसे पूछेगा, जहाँ तक मैंने बताया था वहाँ तक में, कि चैप्टर के बिगिनिंग में किस प्लेस को छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं हमारे नरेटर, कौन सा जगह है जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं. तो जगह का नाम वन वर्ड में तुमको रावू नाम रखना है. अगर पूछा जाएगा कि रावू में नरेटर किसके यहाँ रुके थे, वेयर डिड ही स्टे एट, तो तुमको वो उसमें लामो का नाम लेना पड़ेगा कि उसी के घर में वो स्टे किए थे. उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जब वो जाने लगता है नरेटर, तो लामो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ. लामो क्या देना चाहती है? फेयरवेल प्रेजेंट, ये याद रखना होगा आपको. और ऐसा वो क्यों करती है, आगे पता चलेगा कि क्या देती है और क्यों. नरेटर ने एक इवनिंग किसी शाम को लामो को बताया था कि वो माउंट कैलाश जा रहा है कोरा पर, जो कि एक पिलग्रिमेज था. किसने किसको बताया? नरेटर ने लामो को, लेकिन बीच में एक ट्रांसलेटर था, डैनियल के थ्रू बताया था. तो लामो जाते वक्त बोलती है कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ. मैंने जब कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने एक सेंटेंस में ये पढ़ाया था कि मतलब एक फ्रेंडली ने मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप था, बन गया था लामो के साथ, इसीलिए वो उसको फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. अब इतना बोल करके लामो क्या करती है? लामो, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, एक चीज़ और कि जब डैनियल के थ्रू नरेटर ने लामो
को ये बताया कि मैं यहाँ कैलाश पे कोरा करने आया हूँ, तो उस समय भी लामों ने कहा था कि अगर आप कोरा करने आए हैं तो आपके पास और गर्म कपड़े होने चाहिए, मस्ट, यू मस्ट हैव सम वार्मर क्लोथ्स, ऐसा कहा था लामों ने। क्योंकि वो लोकल थी तो वो जानती थी कि कितनी ठंड पड़ती है, क्या वहाँ का टेम्परेचर होता है, तो उसने ये उसी समय कह दिया था जिस समय नरेटर ने बताया था कि कोरा पे जा रहे हैं माउंट कैलाश के, तो लामों ने उसी समय कहा था दैट यू मस्ट हैव सम वार्मर क्लोथ्स। और इस चीज़ का प्रेजेंट से, फेयरवेल प्रेजेंट से सीधा सीधा रिलेशन आप निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइएगा। तो फेयरवेल प्रेजेंट में उसको क्या देगी लामो? फेयरवेल प्रेजेंट में लामो उसको कोई वार्मर क्लोथ्स देगी, क्योंकि वार्मर क्लोथ्स नहीं हैं निक मिडिल्टन के पास ऐसे सिचुएशन के लिए जहां वो जा रहा है, नहीं है। ये बात लामो बोल चुकी है कन्वर्सेशन में। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं इस कन्वर्सेशन से कि यहाँ लिखा है यू ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, और यहाँ लिखा है आई वॉन्ट टू गिव यू अ फेयरवेल प्रेजेंट। इन दोनों को रिलेट कर दोगे तो कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि फेयरवेल प्रेजेंट में क्या देना, क्या देगी ये। फेयरवेल प्रेजेंट में ऑब्वियसली वार्मर क्लोथ देगी, कोई गर्म कपड़ा देगी वैसा। तो क्या करती है वो प्रेजेंट देती है, क्या देती है एग्जैक्टली? वार्मर क्लोथ देगी ये तो तय हो जाता है उसी समय, पर एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाता है वो सब आगे लिखा हुआ है यहाँ से वार्मर क्लोथ से बाद। After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all the men wore. यहाँ पर highlight करके देखो, ducking back ये word दिया है ना, और ये word तुमको chapter शुरू करने से पहले जो मैंने बताया था कि इन वर्ड्स को आपको ढूंढना होता है चैप्टर में, ये जहाँ भी दिए रहेंगे डार्क कलर में दिए रहेंगे, ये तो आसानी से ढूंढ लोगे, और वहाँ के अनुसार इन वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ता है। तो देखो पहला वर्ड मिल गया डकिंग बैक। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट सी इमर्ज्ड, तुमको कुछ वर्ड मीनिंग्स का जरूरत पड़ेगा जैसे डकिंग बैक, ठीक है, और कोई बड़ा वर्ड मीनिंग नहीं है डकिंग बैक के अलावा। इमर्ज्ड वर्ड का मतलब हो गया शी केम आउट, वो डकिंग बैक का मतलब होता है थोड़ा झुक करके किसी जगह पे एंटर करना। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस का हाइट छोटा है, एंट्रेंस का हाइट, जैसे दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा का हाइट छोटा है तो आप उसके अंदर आपको जाना है, आप कैसे जाइएगा? झुक के जाइएगा। उस झुक के जाने को डकिंग बैक लिखा है। तो लामो अपने टेंट के अंदर डकिंग बैक झुक करके प्रवेश करती है, ये बताता है कि साइज जो है एंट्रेंस का वो काफ़ी कम रहता होगा। और जब वो बाहर आती है, शी इमर्ज्ड, वो बाहर आती है तो उसके हाथों में फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में क्या रहता है? वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट्स। फेयरवेल प्रेजेंट में उसके हाथों में क्या रहता है?
वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट्स. लॉन्ग स्लीव्ड, स्लीव मतलब समझते हो ना, बाजू. फुल स्लीव मतलब पूरा बाजू का शर्ट. हाफ स्लीव मतलब आधे बाजू का. स्लीवलेस मतलब बिना बाजू का कपड़ा जो होता है. तो लॉन्ग स्लीव्ड लिखा है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है उसका, हाथ के वाले जो स्लीव्स होते हैं. लॉन्ग स्लीव सिप के स्किन से बना हुआ कोट. तोड़ के आराम से देख लो, शिप भेड़, उसका स्किन से बना हुआ कोट. ये फेयरवेल प्रेजेंट देती है लामो नरेटर को, जब नरेटर वॉज लीविंग रावू द प्लेस. रावू जा रहा था तो उसको फेयरवेल प्रेजेंट में यही देती है, लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट. उसका एक पिक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट का, ये देखो इसका कोट देखो. और ना कोट से ज़्यादा इसका बाजू वाला लेंथ देखो, इसका यहाँ से ये मतलब कोट से नीचे तक भी लेंथ जा रहा है. बाजू इतना लंबा हाथ थोड़ी होगा. देखो कोट से भी मतलब कोट का जो लेंथ है उससे भी नीचे और जा रहा है उसका जो स्लीव्स हैं, जिनको स्लीव्स बोला जाता है, वो कोट से भी नीचे जा रहा है. तो इसी को बोला जाता है लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट. जो मतलब वैसे जगह के रहने वाले लोग होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, तो वहाँ पर इसी तरह के कपड़े इस तरह का कपड़ा पहनना उनके लिए कंपलसरी रहता है, कंपल्शन है. वहाँ टी शर्ट में थोड़ी घूम सकते हैं, शर्ट में थोड़ी घूम सकते हैं. वहाँ पे बहुत ठंड होने के कारण ऐसे पूरा कवर करने वाला ऊपर से नीचे तक वो ऐसे क्लोथ्स पहने जाते हैं. यहाँ देखो लिखा हुआ है कैरिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट. तो कोट है जिसका स्लीव्स लंबा है और वो किस चीज़ से बना हुआ है, शिप के स्किन से बना हुआ है. शिप के स्किन से बना हुआ कोट है, यही वो दी है. तो ये पूरा टर्म आपको ये याद करना पड़ेगा, लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट, जिसमें स्लीव्ड का मतलब बहुत लोग जानते होंगे. नहीं जानते होंगे तो मैंने बताया कि फुल बाजू का या हाफ बाजू का, तो फुल से भी फुल. पिक्चर में मैंने आपको दिखाया पिक में कि एकदम लंबा सा कोट उसको प्रेजेंट किया किसने, लामो ने. अब सवाल उठता है कि अगर पूछा जाए कि कोट ही क्यों प्रेजेंट किया और कुछ क्यों नहीं प्रेजेंट किया, कुछ और भी तो प्रेजेंट के रूप में दे सकती थी, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ऑब्वियस है, कॉमन सेंस वाला आंसर है कि जब लामो ने देखा, ये सुना कि नरेटर जा रहे हैं कोरा करने, और उसको लगा कि उनके पास जितने वार्मर क्लोथ्स होने चाहिए वो नहीं हैं, जिस तरह के वार्मर क्लोथ्स होने चाहिए वो नहीं हैं, तब वो उसको फेयरवेल प्रेजेंट में क्या देगी, ऑब्वियसली वार्मर क्लोथ्स देगी. इसीलिए उसने शिपस्किन कोट दिया, लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट. और वो वैसा ही कोट था जैसा वहाँ के और जो निवासी थे तिब्बत के, रावू के जो निवासी थे वो
वैसा ही कोट पहनते थे सभी मेन। यहाँ देखो लिखा हुआ है दैट ऑल द मेन वोर। अब ये वोर वर्ड देख रहे हो, ये वियर वाला वर्ड है, पहनने वाला, WEAR। तो वो जो कोट लामो ने दिया था वो कोट कोई अलग कोट, कोई यूनिक कोट नहीं था, वो एक कॉमन कोट था जो वहाँ के सारे मेन, वहाँ के सारे मर्द जो है वो वैसा कोट पहनते थे, लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट, जैसा कि वहाँ के सारे मेन पहनते थे, तो वैसा उसने उसको दिया। अब वो शिप स्किन कोट पहन लिया नरेटर ने, ये लिखा नहीं है यहाँ, मगर शिप स्किन कोट जो है वो पहन लिया नरेटर ने। और वो पहनने के बाद जब फाइनली जब वो वहाँ से निकलने के लिए कार में बैठने लगा, कार में, ठीक है, कार वर्ड देख रहे हो ना, तो पहले से भी जानते हैं बैकग्राउंड में कि दार्चेन तक का सफ़र जो है वो कार से है, कैब, सेतन है हमारा कैब ड्राइवर। तो वो जो कोट उसको प्रेजेंट में मिला था, निक मिडिल्टन को आदत नहीं थी ऐसे कपड़े पहनने के, इसलिए वो उन कपड़ों को पहन तो लिया, मगर ना उन कपड़ों को पहन करके उसको चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, मतलब परेशानी हो रही थी। जैसे किसी लड़के को अगर हाई हील सैंडल्स पहना दें, पॉइंटेड, और बोले चलो, तो कैसे चलेगा वो? इजीली चल पाएगा? आराम से चल पाएगा? नहीं, बड़ा ऑकवर्ड तरीके से चलेगा, गिरते पड़ते। तो यहाँ पर एक वर्ड है क्लैम्बर्ड, यहाँ देख सकते हो क्लैम्बर्ड। यहाँ पे एक्चुअली दो तीन टर्म्स का मीनिंग जानना है। पहला है साइज्ड मी अप, और इसके बाद है क्लैम्बर्ड, और उसके बाद है ड्रोकबा। ये तीनों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तब इसका अर्थ समझ पाएंगे कि क्या लिखा गया है वहाँ। तो उन तीनों का मीनिंग मैं आपको दिखा दूँ। साइज्ड मी अप का मतलब हुआ लुकिंग केयरफुली, मतलब किसी को गौर से देखना। उसके बाद क्लैम्बर, जो वर्ड टेक्स्ट बुक में है, उसका मतलब हुआ वॉक विथ डिफिकल्टी, मतलब परेशानी हो रहा है चलते वक्त। और लास्ट वर्ड है ड्रोकबा। ये ड्रोकबा वर्ड भी तिब्बतन वर्ड है, और इसका मतलब होता है हमारे यहाँ भेड़ों को चराने वाला, गडेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, चरवाहा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चरवाहा को, गडेरिये को तिब्बतन लैंग्वेज में ड्रोकबा, ये वर्ड लिखा है। आप अपने टेक्स्ट में आएंगे तो आपको वो ड्रोकबा वर्ड दिखेगा इन्वर्टेड कॉमास के साथ। देखो साइज मी अप का मतलब क्या बताए? गौर से देखना। क्लैम्बर्ड मतलब बताए वॉकिंग विथ डिफिकल्टी, कार। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जब वो लामो द्वारा दिए गए फेयरवेल प्रेजेंट को जब वो पहना नरेटर, तो वो बहुत
अनकंफर्टेबल था और मतलब ऑकवर्ड टाइप से वो चल रहा था, चलने में भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और ये नॉर्मल सी बात है, मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको, तो वो उसी तरह से चलते हुए, कठिनाई से चलते हुए जब आ रहा था कार में बैठने के लिए, तो सेतन जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, सेतन उसको गौर से देख रहा था, नरेटर को। और जब वो कार में बैठा, क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, बहुत मुश्किल से कार में बैठ पाया, तो उसको देख करके सेतन ने कहा, आह यस ड्रोकबा सर, इसका मतलब है कि सर आप इस कपड़े में बिल्कुल चरवाहे या गडेरिए जैसे दिख रहे हैं। मजाक, मतलब इसको ह्यूमर बोलेंगे, मजाक भी नहीं उड़ाया, ह्यूमर बोलेंगे इसको, है ना, टॉन्ट करना या मतलब कमेंट करना। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, देखो यहाँ से यहाँ तक, ड्रोकबा सर तक। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स आपको जानने चाहिए वो मैंने नोट्स में लिख भी दिया है। मैंने इन लाइंस को पढ़ के आपको क्लियरली समझाने का कोशिश किया कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक खूबसूरत मॉर्निंग का डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद जो लामो है वो फेयरवेल प्रेजेंट देने